जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब किसी जगह का स्थानीय तापमान लगातार 3 दिन तक वहां सामान्य तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बना रहे तो उसे लू अथवा हीट वेव कहते हैं। विश्व मौसम संघ के अनुसार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार 5 दिन तक सामान्य स्थानीय तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना रहे अथवा लगातार 2 दिन तक 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान बना रहे तो उसे हीट वेव या लू कहते हैं। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि जब वातावरणीय तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तो मानव शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ता है तो हमारा शरीर वातावरणीय गर्मियों को शोषित कर शरीर के तापमान को प्रभावित करने लगता है। गर्मी में सबसे बड़ी समस्या है लू लगना, अंग्रेजी में इसे हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक कहते हैं। गर्मी में उच्च तापमान में ज्यादा देर तक रहने से या गर्म हवा के झोंकों के संपर्क में आने पर लू लगती है। जिलाधिकारी ने हीट स्ट्रोक से बचने के उपाय के संबंध में बताया कि अधिक से अधिक पानी पिएं, यदि प्यास ना लगी हो तब भी पानी पिएं, हल्के रंग की पसीना शोषित करने वाली हल्के वस्त्र पहने, धूप के चश्मे, छाता, टोपी, चप्पल का प्रयोग करें, लू से प्रभावित व्यक्ति को छाया में लेटाकर सूती गीले कपड़े से पोंछें अथवा नहलाएं तथा चिकित्सक से संपर्क करें, यात्रा करते समय पीने का पानी साथ जरूर रखें। उन्होंने बताया कि हीट स्ट्रोक, रैश, हीट क्रैम्प के लक्षण कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, पसीना आना, मुरझा आदि है। यदि ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत चिकित्सीय सलाह ली जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि जानवरों एवं बच्चों को कभी बंद खड़ी गाड़ियों में अकेले ना छोड़ें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य सूर्य की रोशनी में जाने से बचें। गहरे रंग के भारी तथा तंग कपड़े ना पहनें। जब बाहर का तापमान अधिक हो तो श्रम साध्य कार्य ना करें तथा अधिक प्रोटीन व बासी तथा संक्रमित खाद्य एवं पेय पदार्थों का प्रयोग ना करें।